नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं वैद्य गुरुबंद सिंह आयुर्वेद के अनुभूत नुक से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक रोगी का जो शुगर के ऊपर जो रिस्पॉन्स आया है उसका हम वीडियो बना के देता हूँ। आते तो बहुत लोगों के हैं पर समय नहीं मिल पाता है। चलो, क्योंकि लोग कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं शुगर ठीक कभी नहीं होती है और शुगर लेवल एक बार बढ़ जाता है तो कम नहीं होता है। लेकिन एलोपैथी में ऐसा है कि 100 mg से शुरुआत करेंगे तो आपकी धीरे धीरे 100, 250, 500, 1000 mg, फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगना चालू हो जाते हैं। हमारी दवा से इंसुलिन बंद होती है और शुगर लेवल कम होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे शुगर की का लेवल कम होता जाता है, वैसे वैसे दवा की हमारी जो दवा चलती हैं उसकी खुराक कम होती चली जाती है। बल्कि अंग्रेजी जो दवाइयाँ हैं वो 2 से 4 दिन में बंद हो जाती हैं। इंसुलिन जो लोग लेते हैं वो उसकी यूनिट धीरे धीरे कम हो चली जाती है और हमारी जो दवा है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। शुरुआत में आपको दोनों टाइम लेनी पड़ेगी, उसके बाद आधी खुराक हो जाएगी, उसके बाद 2 दिन में मैं एक बार लेंगे, फिर 4 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार, और फिर 1 महीने में 1.5 महीने में कभी एक बार लेंगे। इस प्रकार से आपकी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी पैनक्रियाज एक्टिव हो जाएगी। तो देखिए सुनिए, 414 थी, ठीक है, कितना होगा? बहुत अच्छा भी हो जाएगा तो 150-200 तक आ जाएगा, और क्या मतलब, ये भी आना बहुत बड़ी बात है। जी जी सही बात है, 450 बहुत होती है। अच्छा भाई, 414 मतलब बहुत हो गया ना उस जगह पे। इतने पे आदमी इंसुलिन चालू कर देता है। हाँ ऑफकोर्स, और उस जगह पे 79। अच्छा पिछले टाइम पे क्या है, मम्मी डर डर के खाना, अच्छा, ये अच्छा। नहीं खाती, चावल नहीं खाती, रोटी नहीं खाती, दलिया खा रही है थोड़ा थोड़ा करके, वो भी भूखी रह रही है, ऐसा वैसा। ओके भाई, कसम से मैं आपको बोल रहा हूँ, मम्मी ये दवाई शुरू होने के बाद मम्मी ने नॉर्मल खाना भी खाना चालू कर दिया, अच्छे से खा रही है, पेट भर के खा रही है, सब कुछ होने के बाद ये रिपोर्ट आई है। ओके ओके, मीठा मीठा भी खा लेते हैं क्या? हाँ, मीठा मीठा भी खा रही है क्या? नहीं नहीं, मीठा मीठा नहीं खा रही। अच्छा अच्छा, जो जो आपने मना किया हुआ है वो सब नहीं खा रही, मीठा नहीं खा रही। ओके ओके, बाकी सब खा रही है, बाकी नॉर्मल जो खाना है, जैसे पहले क्या है, पहले भूखी रहती थी डर के मारे, पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है ना। और भाई वही तो बोल रहा हूँ, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। तो दवा की खुराक कम करवा देना उनको, ठीक है ना। 79 थोड़ी ज्यादा कम हो गई, ठीक है ना। अच्छा, उनको दिक्कत तो नहीं हो रही है? 79 है तो चक्कर आ रहा हो? ना, चक्कर वक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही, एकदम तबीयत ठीक है उनकी, एकदम से सब कुछ नॉर्मल है। बल्कि उनका जो पहले जो वो पिछा पिछा आपका जो भी प्रॉब्लम हो रहा था ना, वो सब ठीक हो गया है। ओके ओके, हाँ वो तो सिम्टम्स बॉडी के सब चेंज हो गए होंगे ना, शरीर में ताकत भी आई होगी, शरीर में ताकत भी आई होगी। ताकत आई है, पहले से जो एकदम मतलब वो मम्मी हमेशा थकी रहती थी ना, थकान सी हुई रहती थी जी, मतलब ताकत नहीं है शरीर में, वैसा बिल्कुल नहीं है, एकदम ताकत में है, सब कुछ ठीक है, भरपेट खा भी रही है। अच्छा, उसके साथ साथ आपका क्या कहते हैं, अपना मम्मी वो योगा भी करती है, वो भी कर रही है। अच्छा, ठीक, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा, उनका पेशाब का जितना भी प्रॉब्लम था, जो भी सारी चीजें थी, वो गांठे वांठे थी, ये वो सब गायब हो गया है। सब गायब हो गया ना, सब गायब हो गया है, कुछ नहीं है। रिपोर्ट देखो ना, गांठे कहाँ थी? यूरिन के एरिया में थी। अच्छा अच्छा, चौक सब गायब हो गई है, सब खत्म हो गई है, कुछ नहीं है। चलो ठीक, बहुत बढ़िया है ना, ये बहुत मतलब इतनी बढ़िया रिपोर्ट तो मैंने सोचा भी नहीं था भाई। आपको क्या बोल रहा था मैं, ये दवा अद्भुत है, अद्भुत। अरे आप अद्भुत हो, दवा अद्भुत नहीं है। आप अद्भुत हो, हमारा भाई अद्भुत है, दवा की क्या औकात। जी जी बिल्कुल, नहीं नो डाउट, अद्भुत मतलब बहुत 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 राहत मिली। दवा लाइन लगा, ये दवा लाइन लगा के बिकती है और कई एक डॉक्टर से लोग ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिकनी ही चाहिए। 100-200-500 लोगों में हो सकता है एक या दो पे दवा कम काम करती हो सकता है, उसकी तासीर के हिसाब से या वहाँ की
जलवायु वायुमंडल के हिसाब से सूट ना करती हो, ऐसा हो सकता है, या फिर हाँ वो जो जिस हिसाब से लेनी चाहिए दवा वो नहीं ले रहा है, इसलिए फेल हो सकती है। वैसे हाँ बहुत कम चांसेस आते हैं जो फेल हुई हो दवा। नहीं नहीं भाई, ये बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ही तगड़ी चीज है। हाँ, और अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जी, बोल रहा हूँ, अभी उनकी खुराक क्या कम करनी है अभी? खुराक आधी आधी कर दीजिए, जो दवा ले रही थी ना हाँ आधी आधी खुराक कर दीजिए, ठीक है ना। आधी आधी कर दी। हाँ आधी आधी 2 टाइम कर दीजिए, फिर कुछ दिनों के हाँ बाद भी ये चेक करवाएंगे, उसके बाद देख लेना, फिर उसकी 1 टाइम कर देना, ठीक है ना। फिर क्या करना? एक टाइम दवा लेनी, केवल एक टाइम, 1 टाइम ओनली, ठीक अच्छा 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 है अच्छा ना। मतलब ये कम, अभी अभी उनको जो दवाई का ये है वो आधा आधा कर देना है। हाँ हाँ, दवा आधी आधी कर दीजिए, जैसे 10 10 ml ले रहे हैं तो 5 5 ml, 5 5 ले रहे हैं तो 2 2 ml, ठीक है ना। ओके ओके, ओके, ये पहला, ये कर उसके देना, बाद रिपोर्ट आएगी तो फिर तो एक एक ही एक टाइम एक दवाई एक टाइम चाहिए। कर देंगे, फिर 2 दिन में एक बार लेंगे, फिर 4 दिन में एक बार लेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे अरे अंतराल वाह, बढ़ता सही जाएगा, धीरे धीरे दवा बिल्कुल छूट जाएगा, ठीक है। फिर 15 दिन में है। एक ठीक बार, महीने में एक बार, और खत्म कराने, ठीक है ठीक है, एक है ना। ब्लड टेस्ट महीने में एक बार करवा ही लेना है पड़ेगा, हाँ है ना? नहीं, जी, मंदिर बढ़िया पंद्रह दिन रिपोर्ट में आई है भाई। 15 दिन में करा लें तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ठीक ठीक है भाई, हो, है ना, ये बढ़िया हो गया। जी, मतलब आपको मैंने बस यही यही बताने के लिए ही फोन किया। अच्छा, ओके लो जी, रमेश से बात करो। हाँ कराइए। हेलो, धन्यवाद प्रभु, जय माता दी, जय माता दी, क्या हाल है। जय माता दी, जय माता दी, एकदम बढ़िया। आप है तो हम बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद बहुत बहुत सब ऊपर वाला आपका। कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो ऊपर वाले के बाद उसकी एनर्जी तो आप लेके बैठे हो ना। ऐसा नहीं है, आप हाँ, सबकी अरे दुआएं हैं, वो हमारी कहाँ दुआ, हमारी तो प्यार है, जो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं वो आप सबकी हमारी दुआ दुआएं एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हैं। नहीं नहीं बहुत अच्छे से रिपोर्ट आई है, बस जी, कोई किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ओके है, ओके, बस वो बताना था, रिपोर्ट तो आपको भेज दी है जी, ना। लेकिन मेरे को एक कंप्लेंट है बताइए। बाल भाई, मेरे बाल कम होते जा रहे कम हैं। होते जा रहे हैं ना। चलो, अब आपको उसका भी सॉल्यूशन है अपने पास, ठीक है ना। आप मुझे उगाने मैं आपको ने, दवा बता दूंगा, आप हाँ वो वहां ले लेना, या फिर हम बना के दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। नहीं ये तो दिक्कत हो गई आपके, होते मेरे बाल जाएंगे तो ऐसे कैसे होगा। नहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तब तक क्या लेना है वो बता दीजिए, मैं यहाँ से ले लूंगा। दो दो से 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है मामला। ये सुना आपने, रोगी का जो शुगर लेवल था वो 414 था दवा शुरू करने से पहले, और मैंने रिपोर्ट आपकी दोनों डाली हैं, आप देख सकते हैं पहले की और बाद की, दोनों का शुगर लेवल भी लिखा हुआ है। तो दवा मंगाने के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, ये वीडियो के ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क करके दवा मंगा सकते हैं। पेमेंट पहले करनी होती है फ़ोन पे गूगल पे के द्वारा, आप किसी भी माध्यम आप से पेमेंट भेज किसी भी करके आप माध्यम दवा से मंगा हमसे सकते दवा मंगा हैं, सकते हैं, और फोन पे गूगल पेमेंट पे एडवांस भेजना होता या है फोन पे बैंक गूगल पे में या जाकर के, नेट नेट बैंकिंग के माध्यम से। जी धन्यवाद, जय माता दी, जय महाकाल, 7 से 8 दिन में दवा पहुँच जाती है।